हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जावा की है और जावा में फंक्शन के बारे में समझेंगे। सी लैंग्वेज में हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। सी लैंग्वेज में फंक्शन यानी कि अगर हम कोई पर्टिकुलर, देखिए फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक प्री डिफाइंड होता है। तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम उस फंक्शन की एक्चुअल में पूरी कोडिंग लिख देते हैं एक बार, और सिर्फ जब हम उसको कॉल करते हैं तो वो फंक्शन चलता है और वो काम करता है। तो आइए देखते हैं जावा में इसको कैसे हम यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से IntelliJ ID को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइल पे चलना है और फाइल पर जाने के बाद यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आएगा इस तरीके से। आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट। तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसे कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। जो भी नाम देना चाहते हैं आसानी के साथ आप दे सकते हैं, मेथड, ठीक है। चूंकि जावा में फंक्शन को हम मेथड के नाम से जानते हैं, तो यहां मैंने नाम दे दिया माय मेथड। इस तरीके से मैंने माय मेथड नाम दे दिया और एंटर प्रेस कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहां पर करना क्या है, कैसे कैसे कोडिंग हमें करनी है वो समझ लेते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं, यहां पर आ जाता हूं, पब्लिक क्लास नेम के बाद यहां पर आ जाता हूं और यहां पर एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि यूजर डिफाइन होगा। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक और फिर देंगे यहां void और एक फंक्शन बना लेता हूं यहां पर my computer, ठीक है। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं इसमें यूज नहीं कर रहा हूं कुछ ऐसा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां मैंने इसका नाम दे दिया है माई कंप्यूटर और इसको अब यहां से क्लोज कर देता हूं इस तरीके से। क्लोज करने के बाद यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बना रहा हूं तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करना ही पड़ेगा हमें। तो ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेने के बाद यहां पे देंगे सिस्टम इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से ये लिख दिया। अब यहां पे देना क्या है, देखिए एक बार हमें ये चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहां पर मैं दे देता हूं व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज मेथड कर देता हूं मेथड। अब ये चीज एक बार हमने लिख दिया, अब सिर्फ हम जो हमने फंक्शन बनाया माई कंप्यूटर, हम उसको एक बार कॉल करेंगे और ये अपने आप प्रोग्राम चलेगा, ऐसी कुछ व्यवस्था हम करने वाले हैं। तो फंक्शन यही होता है कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड और उसका कोई आप नाम दे देते हैं और जब भी उसे कॉल करते हैं तो वो चलता है और अपना काम करता है। तो सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देने से हमारा काम हो जाता है, हमको वो पूरी कोडिंग बार बार नहीं लिखनी पड़ती है, यही फायदा होता है फंक्शन बनाने का। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये हम कोड क्या लिखूंगा, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। तो हमने फंक्शन बनाया किस नाम से, माई कंप्यूटर नाम से। तो ये हमने लिख दिया माई कंप्यूटर और ये ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है, और इसको अब टर्मिनेट कर देते हैं। ये टर्मिनेट कर दिया, सिंपली रन पे क्लिक करना है तो ये प्रोग्राम हमारा चलेगा, रन होगा और रन होने के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, यहां पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज मेथड लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूं, खाली कॉल भर करना है आपको, तो इसे मैं कॉल करता हूं, देखिए ये मैंने यहां से एंटर किया, यहां पे आए, यहां पर इसको फिर दोबारा से कॉल किया, ठीक है। तो एक फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन बना है, इस फंक्शन के चलने से क्या होगा, व्हाट इज मेथड प्रिंट होगा, ठीक है, ये मेथड है, टी छूट गया यहां पे, टी, ठीक है। तो ये व्हाट इज मेथड प्रिंट होगा और अब मैं इसको फिर यहां से रन करता हूं। तो यहां पे देखिए जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो दो बार व्हाट इज मेथड प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया और आपका काम हो गया, ठीक है, ये होता है मेथड। अब फिर आता हूं नीचे, फिर एक बार इसी को कॉल करता हूं, ठीक है, और फिर अब रन करवाता हूं इसको यहां से। तो ये रन करवा दिया हमने, अब जैसे ही रन करवाएंगे तो ये देखिए व्हाट इज मेथड तीन बार लिखा हुआ आया। आप यहां पर चेंज करेंगे तो वो चीज यहां पर भी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो फंक्शन आपने बनाया उसमें क्या स्टोर किया है, उसके चलने से, उस फंक्शन के चलने से क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं लर्न LEARN जावा, इस तरीके से जावा लिख दिया और अब डेटा रिपील, तो ये रन करवा दिया। तो यहां पर अब लर्न जावा प्रिंट होकर आएगा, देख सकते हैं आप,
तो इसे कहते हैं मेथड। मेथड को लेकर के आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। अब देखिए यहां पर एक बार और इसको मैं कॉल कर दिया हमने, ये देखिए एक बार और कॉल किया, यानी कुल मिला के चार बार कॉल किया है। और इसको अब रन करवा देता हूं यहां से सिंपली, तो ये रन करवा दिया तो ये चार बार प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 1 2 3 4 फोर टाइम प्रिंट हो गया है, देख सकते हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये मेथड होता क्या है जावा में और कैसे इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।